ऑल राइट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आइए आज का अपना ये सेशन की शुरुआत की जाए। इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन कुछ करेंगे हम, तो आप सबको स्क्रीन होपफुली विजिबल है, वॉल्यूम क्लियर है, प्लीज़ अपना म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। बच्चों हमने स्टार्ट करना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कई सारी बातें की थी। अकाउंटिंग का मतलब क्या था बच्चों, इसके अंदर देखिए ना कई सारी डेफिनेशन की थी। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या था? ये वही चीज़ है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 11th में, 12th में, फाउंडेशन के अंदर। अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ट्रांजैक्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कॉस्ट का मतलब क्या था बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंट्स में से ही डाटा बोरो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से लेके बेचने तक का जो भी खर्चा है उसे बोलते हैं कॉस्ट, या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, इन तीनों के खर्चों को बोलते हैं हम कॉस्ट। तो एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट की बात चल रही है। अच्छा, एक होता है कॉस्ट और एक होता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या था भैया? इस पेन को निकालने, इस पेन की कॉस्ट निकालने के टेक्निक को बोलते हैं कॉस्टिंग। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? दिमाग में कनेक्ट हो रहा है? कॉस्टिंग का मतलब इस पेन की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, वो टेक्निक को बोला जाता है कॉस्टिंग। इस पेन का कॉस्ट है 10 रुपये, उसको बोलते हैं कॉस्ट। दोनों में फ़र्क याद आ रहा है? अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या था बच्चों? याद करिए, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बात की थी, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। What is meant by cost accounting? Cost accounting का मतलब क्या है? Accounting for cost. भैया cost की accounting करना, सिर्फ cost की, सारे खर्चों की नहीं, सिर्फ। इसे बोलते थे एक specialized area. Management accounting का मतलब क्या था बच्चों? Management accounting का मतलब था decision making. कोशिश करिएगा साथ साथ में recall करने के लिए, जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, इसको सोचिए, याद करिए, क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, पन्ने पलटो और उसके अंदर देखो क्या क्या लिखा हुआ है। फिर हमने किया था बच्चों, एक था ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर एक आता है कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है भैया? जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेकर जाने के लिए। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या था? अपने बेंचमार्क को और इम्प्रूव करना। याद आ रहा है बच्चों? इसके नोट्स मैं आज शेयर कर दूंगा आप सबको, मुझे प्लीज़ रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ, मुझे आप रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। इसके बाद हमने किया था बच्चों, एक याद करिए, कॉस्ट सेंटर। बच्चों कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या था जल्दी से बता दो? कोई भी ऐसा यूनिट या कोई भी ऐसा बेस जिसके ऊपर हम कॉस्ट का बर्डन ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं। याद आ रहा है बच्चों? कोई भी ऐसा यूनिट जिसके ऊपर हम कॉस्ट का बर्डन ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, उस बेस को, उस यूनिट को बोलते थे कॉस्ट सेंटर। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? यहाँ तक हम कई सारे डेफिनेशंस, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया डिस्कशन, जो हम नया डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए बच्चों शुरुआत करें। एक छोटा सा डेफिनेशन आता है कॉस्ट यूनिट। बच्चों मुझे बताइए, पानी को हम कैसे मेजर करते हैं? बताइए, पानी को हम कैसे नापते हैं? वेट को कैसे मेजर करते हैं? आपको कैसे पता लगता है आपका वेट बढ़ गया घट गया, कैसे पता लगता है, कैसे नापते हो आप अपने वेट को? केजी के अंदर, इंडिया के अंदर केजी में, बाहर की कंट्रीज में पाउंड में। हाइट को कैसे नापते हो? फुट के अंदर, फुट इंचेस, ऐसे करके नापते हैं ना आप। बच्चों हर चीज़ का मेजरमेंट का तरीका अलग होता है। वैसे ही जैसे मान लो कोयला है,
इसको नापने का तरीका अलग होगा। एक इंडस्ट्री है जो बिल्डिंग बनाती है, रियल एस्टेट बनाती है, इसकी इसको नापने का तरीका अलग होगा। एक इंडस्ट्री है जो ऐसा समझ लीजिए जो क्या बनाती है, जो मेट्रो मेट्रो की सर्विस देती है, होटल सर्विस देती है, इसको नापने का तरीका अलग होगा। तो तीनों को नापने का तरीका बच्चों अलग अलग होता है, क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में रोका था। देखिए कॉस्ट सेंटर तक हमने रोक दिया था, आइए इसको मार्क करते हैं। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, ठीक है ना। हम भैया अपनी क्वांटिटी को, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर कैसे करेंगे, सर्विस को मेजर कैसे करेंगे, उस चीज की बात कर। ये मेजरमेंट का तरीका आपके या मेरे हिसाब से नहीं सेट होगा, ये मेजरमेंट का तरीका बच्चों किसके हिसाब से सेट होगा, इंडस्ट्री के हिसाब से। जैसे अगर आपको कोयला खरीदना है तो आप मार्केट में मुझे बताइए कितना कोयला खरीदेंगे, ग्राम में खरीदेंगे, किलो में खरीदेंगे, टन में खरीदोगे, बताइए। ग्राम में खरीदोगे, एक किलो खरीदोगे या टन में खरीदोगे, बोलो बच्चों बोलो। बता दो। अच्छा चलो ऐसे पूछता हूँ, ईंटें खरीदनी है आपको, ऐसा सोचिए ईंटें, ईंट खरीदनी है आपको, तो ए आप बाजार में ईंटों का रेट लेकर आएंगे, 100 ईंटों का रेट लोगे, 1000 का लोगे, 10,000, कितने ईंटों का रेट लोगे, एक ईंट का रेट लोगे ना। ब्रिक की इंडस्ट्री के अंदर जो इसकी इंडस्ट्री होती है बच्चों, वहां पे ना यूनिट पता क्या बोलते हैं इसे, पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से, वहां पे एक पीस की बात नहीं होती, ब्रिक्स हजारों पीसों के हिसाब से बात होती है। तो ये जो है कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग होता है बच्चों, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग। बिजली को मेजर करने का तरीका क्या है, पर किलोवाट आर। एजुकेशन को मेजर, पर स्टूडेंट आर, समझ पा रहे हो। तो ये जो कॉस्ट यूनिट है, वॉल्यूम मेजर करने का तरीका है, दिस इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और यहाँ पे है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, फटाफट से बच्चों कॉस्टिंग का मतलब क्या था, मैंने आपको कॉस्टिंग का मतलब लास्ट क्लास में समझाया था, फटाफट से टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट, याद आ रहा है बच्चों, कॉस्ट निकालने के तरीके को बोलते हैं कॉस्टिंग, याद आ रहा है बच्चों, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है लास्ट क्लास। आप देखिए हर इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके का टेक्निक होता है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, अलग अलग तरीके का कॉस्टिंग होता है बच्चों, अलग अलग तरीके का, समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हैं, अलग अलग तरीके का कॉस्टिंग होता है, समझ में आया। तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हो गई, अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बढ़े बच्चों। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आया, अगर क्लियर है तो टाइप करके भेजें क्लियर फटाफट से, अगर क्लियर है तो टाइप करके भेजें क्लियर, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लें मुझसे जल्दी। क्लियर, तनिष्का का आ गया क्लियर, राहुल का आ गया क्लियर, प्रीति का आ गया, विभु, विभु कहाँ गए भाई, विभु विभु आप भी टाइप कर दिया करो, अब अलग अलग से एक एक करके नाम लूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। विभु विभु कहाँ गए भाई, विभु तो मुझे लग रहा है गायब हो गए हैं, कोई बात नहीं। आइए बच्चों एक एक करके शुरुआत करते हैं, अब थोड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट बेसिस, बच्चों जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, बच्चों मान लीजिए क्लासरूम है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, ठीक
कितने बच्चे हो गए बच्चों, ये फटाफट से बताओ, ये टोटल बच्चे कितने हैं? 7। अब इन बच्चों को क्या मैं अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ? जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन 7 बच्चों को मुझे क्लासिफाई करना है बिटवीन मेल फीमेल, कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं इन 7 बच्चों को क्लासिफाई करना चाहता हूँ बिटवीन कितने बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं, कितने बच्चों ने चश्मे नहीं पहने हुए। इन 7 बच्चों को मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ कितने बच्चे समझदार हैं, कितने बच्चे नालायक हैं। इन बच्चों को मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ कितने बच्चे कॉमर्स वाले हैं, कितने बच्चे साइंस वाले हैं, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने बच्चे साइंस। आप ये बात समझिए, बच्चे वही हैं, लॉजिकली सोचिए बच्चों, स्टूडेंट्स वही हैं, बस स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने का बेस चेंज हो रहा है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स वही हैं, इनको क्लासिफाई करने का बेस चेंज कर रहे हैं हम। तो अगर मैं बेस चेंज कर दूंगा तो क्या स्टूडेंट्स का कैटेगरी चेंज होता जाएगा? बिल्कुल होता जाएगा। वैसे ही अब इसको समझिए, वैसे ही कॉस्ट वही है। जैसे मैं बोलता हूँ इस पेन को बनाने का 5 रुपये का कॉस्ट है, तो कॉस्ट वही है। इस कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करना है, अब हम वो बात करने जा रहे हैं। क्या ये बात जा रही है बच्चों दिमाग में? तो सबसे पहला और सबसे बेसिक आता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, रजिस्टर में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। नीचे बनाइए मेरे साथ साथ, कॉस्ट है बनाइए, साथ साथ बनाना है मेरे। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, इसके नीचे लिखिए ऑल कॉस्ट इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, ऑन रॉ मटेरियल, ऑल कॉस्ट इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, टिल इट्स एक्विजिशन, स्टॉप। लेबर कॉस्ट लिखिए, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू मैन पावर, स्टॉप। अगला लिखिए एक्सपेंसेस, ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर। ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, स्टॉप। जैसे बच्चों आप सब ये लिख लें मुझे बताइए, जैसे आप सब ये लिख लें मुझे बताइए। चलो अब ध्यान से सुनिएगा विभू, अच्छा विभू भी लिख के भेज रहे, वेरी गुड विभू, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कॉस्ट के ना 3 एलिमेंट्स होते हैं, सबसे बेसिक्स पे बात चल रही है हमारी। जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का, ये देखिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है,
बच्चों अगर मैं कहता हूँ ये कैलकुलेटर बनाने में मुझे 100 रुपये लगे, तो इस कैलकुलेटर के कॉस्ट को मैं अगर बोलूँ ये इसका मटेरियल का कॉस्ट कितना है, देखिए ना इसके ऊपर मटेरियल क्या लग रहा है, ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये बटन लगे हुए हैं, ये पेंट पेंट भी मटेरियल हो गया इसके ऊपर, ये ग्लास लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो ये सारा आपका मटेरियल हो जाता है जिसको आप टच कर सकते हैं। अब एक आपका आगे जाके चैप्टर आना है, पहला चैप्टर वही होगा शायद, मटेरियल कॉस्ट। एक चैप्टर आएगा मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो मान लीजिए मैं फैक्ट्री वाला हूँ, मैंने सप्लायर से जाके मैंने बोला भैया रॉ मटेरियल भिजवा दे, रॉ मटेरियल भिजवा दे, तो एक तो वो मुझसे रॉ मटेरियल का खर्चा लेगा बच्चों, आने जाने का खर्चा लेगा, नहीं लेगा वो मुझसे आने जाने का खर्चा भी लेगा, मेरे बिल के ऊपर टैक्स भी लगाएगा, जीएसटी भी लगाएगा, समझ पा रहे हो? तो रॉ मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट का मतलब सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नहीं है कि भैया मैं इस प्लास्टिक का कितना दे रहा हूँ, इस ग्लास का कितना, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा वो मटेरियल को खरीद के लेकर आने के कॉस्ट को भी, मटेरियल को खरीद के लेकर आना, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, डिस्काउंट्स, इन सब खर्चों को भी हम मटेरियल कॉस्ट में जोड़ते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों हमें? तो मटेरियल कॉस्ट का मतलब ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, ऑल कॉस्ट इनकर्ड और रॉ मटेरियल टिल इट्स एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब उस मटेरियल को फैक्ट्री तक का लाने का जो भी खर्चा है आपको जोड़ के। दूसरा आता है लेबर का खर्चा। लेबर का खर्चा मतलब बच्चों देखो, इस मटेरियल, इस कैलकुलेटर को बनाने में एक लेबर बैठी होगी, उसने जोड़ा होगा, यहाँ पे स्क्रू टाइट किया होगा, समझ रहे हो, चला के देखा होगा, टेस्टिंग करी होगी, एक चौकीदार रखा होगा हमने जो इसके माल की सिक्योरिटी रखता होगा, ऐसे अलग अलग होगा। तो मैन पावर पे जो भी खर्चा हो रहा है वो सारे खर्चे को बोलते हैं लेबर कॉस्ट। आगे जाके एक चैप्टर आएगा भी लेबर कॉस्ट, जहाँ पे मैं डिटेल में इसके बारे में बातें करूँगा। तो पहले दोनों समझ में आते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है? मटेरियल का मतलब भैया इस कैलकुलेटर पे मटेरियल कितना लगा, और लेबर कॉस्ट का मतलब इसको बनाने में मैन पावर कितना लगा, या मैन पावर का खर्चा क्या है। एक्सपेंस सबसे आसान होता है, जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस है। जैसे जो मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है मतलब, और लेबर नहीं है मतलब रेंट, बिजली का बिल, डेप्रिसिएशन, ना ये मटेरियल है ना लेबर है, ये तो एक्सपेंस हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही, दिमाग में जा रही है बच्चों ये बातें, एग्जाम्पल्स दिमाग में जा रहे हैं? इसे बोलते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, कॉस्ट। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं रीड करवाता हूं। मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स, मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स आने जाने का सारा खर्चा। इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा, कहाँ पे कवर करूंगा बच्चों, कहाँ पे कवर करूंगा, आपका मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर के अंदर। लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के बाद लेबर कॉस्ट, मींस पेबल पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज, परमानेंट हो चाहे टेम्पररी, जो भी सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, सब चीज़ों की बात चलेगी इसकी। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। कई बातें समझ में आई बच्चों आपको? तो सिंपल सा है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। अगला आता है क्लासिफिकेशन। हेडिंग लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए एक लाइन छोड़ के लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। देखिए कॉस्ट दो तरीके का होता है, इसको बनाइए मेरे साथ साथ, चार्ट बनाइए। एक हो गया डायरेक्ट नेचर का और एक हो गया इनडायरेक्ट नेचर का। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट,
ठीक है ना। इसके अंदर फर्दर ब्रेक डाउन करिए, डायरेक्ट के अंदर फर्दर हम बोल सकते हैं मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। सिमिलरली इनडायरेक्ट के अंदर भी ऐसे तीन एक्सपेंसेस होते हैं, तीन कॉस्ट होते हैं। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ठीक है ना, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। बच्चों अगर मैं ये डायरेक्ट नेचर के खर्चों को इकट्ठे कर दूं, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और अगर मैं इन तीनों को इकट्ठे कर दूं, वेरी गुड, ओवरहेड। तो साथ साथ में बनाना है बच्चों, ये पूरा का पूरा साथ साथ में बनाना है। ये आप सबने कहीं पे पढ़ रखा है, किसका आंसर आया था ओवरहेड का, बड़ा सही आंसर दिया था। किसका आंसर आया था ये, विभु, आपने पहले पढ़ रखा है विभु, ये बता दो। अच्छा बीकॉम में, ओके वेरी गुड। तो चार्ट बनाइए बच्चों, चार्ट जैसे ही बन जाए मुझे बताइए, फिर दो मिनट रुक जाइएगा, अब मेरे को समझाना है। विभु आपको ये आता है डायरेक्ट क्लासिफिकेशन इसका, कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, आपको कुछ आइडिया है विभु? चलो मैं अभी आपसे दो मिनट में दोबारा से पूछता हूँ, अभी इसको डिटेल में लेके जाते हैं। कॉपी हो गया बच्चों ये वाला, कॉपी हो गया बच्चों ये वाला, यस। अब दो मिनट बच्चों रुक जाइएगा, और जो मैं समझाने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक करके समझाऊंगा और फिर लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज साथ साथ में मत लिखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बच्चों अभी तक हमने क्लासिफाई किया कि भैया कोई भी कॉस्ट, कोई भी चीज की कॉस्ट होती है, इसको हम तीन एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या थे एलिमेंट? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। तो बच्चों आगे सुनिए, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मैं मटेरियल को फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब मेरे पास कोई भी खर्चा आता है, कोई भी मटेरियल आता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट है ना, पहले आप ये देखो क्या वो मटेरियल है। अगर मटेरियल है फिर फर्दर क्लासिफाई करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। कोई भी कॉस्ट आया सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। उसके अंदर देखेंगे कि मटेरियल है तो डायरेक्ट नेचर का मटेरियल है या इनडायरेक्ट नेचर का। तो कोई भी कॉस्ट आया पहले हमने देखा मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस क्या है, और अगर मटेरियल है फिर हम क्लासिफाई करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे सोचना है? एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मटेरियल के अंदर ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन क्या है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, सुनने पे ध्यान देना। द मटेरियल शुड बी डायरेक्टली ट्रेसेबल, शुड फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आउटपुट, और अगला क्या है इसका, शुड इफेक्ट द वॉल्यूम। Should affect the volume. इसका मतलब क्या है आइए मैं समझाता हूँ। देखिए
बच्चों एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए एक शर्ट है, ये मान लीजिए एक शर्ट है, मुझे बताइए बच्चों ये शर्ट को बनाने में, यहाँ पे ऐसे जिप लगी हुई है, यहाँ पे बटन लगे हुए हैं, धागे वागे से सिल रखा है इसको, ठीक है ना। तो मुझे बताइए एक शर्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या मटेरियल लगता है बच्चों शर्ट को बनाने में, मुझे बताओ। बटन, वेरी गुड, और बताओ, रेड, और कपड़ा, क्लॉथ, और भी चीज़ें हो सकती हैं, जिप हो गई है ऐसे जिप, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो ये चीज़ें हो गई, कपड़ा, बटन, थ्रेड, ये सब हो गए ना। बच्चों एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सोचो एक आप मैन्युफैक्चरर हो, ये टी शर्ट बना रहे हो आप, क्या एक मैन्युफैक्चरर को ये पता होगा कि ये टी शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, क्या एक मैन्युफैक्चरर को ये पता होगा जैसे ही उसने एक टी शर्ट देखी, क्या टी शर्ट को देखते ही वो बता देगा यार इसके अंदर इतना कपड़ा लगा होगा और उस कपड़े का कॉस्ट इतना होगा, क्या वो देखते ये बता पाएगा, बोलो बच्चों यस और नो। बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरर को तो पता होगा ना कि इस टी शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, कहने का मतलब कपड़ा जो है ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि इट इज़ डायरेक्टली ट्रेसेबल। डायरेक्टली ट्रेसेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमें आउटपुट को देखते ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कितना कपड़ा लगा हुआ है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि भाई इतना कपड़ा इतना आउटपुट, ऐसा कुछ। दूसरा, क्या एक कपड़ा जो है ये इस टी शर्ट का बहुत ज़रूरी पार्ट है, बिल्कुल, अगर आप कपड़ा महंगा कर दोगे, इसकी क्वालिटी बढ़ा दोगे तो आउटपुट ये जो टी शर्ट है इसका महंगाई बढ़ जाएगा, कपड़ा बहुत ज़रूरी पार्ट होता है आउटपुट का, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। और तीसरा पॉइंट, मुझे बताइए अगर मैं कपड़ा ज़्यादा डालूंगा तो क्या आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा बच्चों, जल्दी से बोलो, अगर मैं कपड़ा ज़्यादा डालूंगा तो क्या आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा, जल्दी से बोलो बच्चों, जल्दी से बोलो, अगर मैं कपड़ा ज़्यादा डालूंगा मशीन में तो क्या आउटपुट टी शर्ट ज़्यादा बन के आएगी, बोलो बच्चों बोलो। बिल्कुल, तो ये वॉल्यूम को भी इफ़ेक्ट करता है, वॉल्यूम को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस कपड़े के अंदर, इस मटेरियल के अंदर तीनों क्वालिटीज़ पूरी हो गई, पहला इट इज़ डायरेक्टली ट्रेसेबल, दूसरा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तीसरा वॉल्यूम भी इफेक्ट करता है, हेंस कपड़ा इज़ अ, हेंस कपड़ा हमारे एग्जाम्पल में क्या हो गया, इट इज़ अ डायरेक्ट मटीरियल। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे बटन देखिए, क्या इस शर्ट को, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, क्या इस टी शर्ट को देख के एक मैन्युफैक्चरर बता सकते हैं कितने बटन लगेंगे, जैसे देखो दो बटन यहाँ पे लगे हुए हैं, बस दो ही बटन लगे हैं पूरी टी शर्ट में, तो क्या एक मैन्युफैक्चरर बता सकते हैं, हाँ भाई वो कहेगा दो बटन लगे हैं, इतने बटन लगने। पॉइंट नंबर वन, क्या इट इज़ डायरेक्टली ट्रेसेबल, बोलो बच्चों येस और नो, क्या ये बिल्कुल इट इज़ डायरेक्टली ट्रेसेबल, पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन मान लेते हैं कि वॉल्यूम, मान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुझे बताइए अगर मैं आपको बटन ज़्यादा दे दूंगा तो क्या आप टी शर्ट ज़्यादा बना के दे दोगे, सोच के देखिए ज़रा, येस और नो, नो भैया ये थोड़ी ना, बटन ज़्यादा दे दूंगा, बटन 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 बटन, यहाँ यहाँ पे बटन ही बटन लगा रखे हैं, हर जगह बटन ही बटन, सोच के देखिए कितना अजीब सा लगेगा, सारे बटन बंद करके जाने पड़ेंगे मुझे। तो बटन तीसरी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा, और क्योंकि ये तीसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा ये तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटीरियल। ये है डायरेक्ट मटीरियल, ये है इनडायरेक्ट मटीरियल। धागा, बच्चों
क्या मैन्युफैक्चरर ये बता सकता है इस टी शर्ट को बनाने में कितना धागा लगा हुआ है, कितना धागा लगा हुआ है, वो नाप के बता सकता है क्या? सोच के देखो, क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल है? टी शर्ट को देखते ही वो बता देगा इतना मीटर धागा लगेगा, ऐसा होता है क्या? रील को देख, अच्छा मतलब आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए एक आपको टी शर्ट बनानी है, कपड़ा तो नाप के लेकर आते हैं ना आप, मार्केट में कभी देखा हो कपड़ा नाप के लेकर आते हैं आप, क्या धागा भी नाप के दिया जाएगा कि इतना ही धागा लगेगा, इसके अलावा और धागा नहीं लगेगा, ऐसा होता है क्या? सोच के देखिए जरा। नहीं भाई, धागा बता ही नहीं सकते। जैसे इस मान लीजिए ये कैलकुलेटर है, इसको जोड़ने के लिए फेविक्विक या फेविकॉल लगी होगी, तो क्या वो बूंदे नाप के देता होगा कि इतनी बूंद फेविकॉल लगेगी? नहीं, तो डायरेक्टली ट्रेसेबल ही नहीं होता ये। और क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होता तो ये क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या ये समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या ये बात समझ में आती है? इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाता है। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाता है। क्या ये समझ में आया? तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आइए मैं इसको रीड भी करवा देता हूँ। ये देखिए, कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए मेरे साथ साथ रीड करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसके अंदर हमारा देखिए कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो बच्चों, इन तीनों को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नेचर वालों को इन तीनों को क्या बोलते हैं जोड़ के? प्राइम कॉस्ट। और अगर मैं इनडायरेक्ट वाले तीनों को जोड़ दूँ तो इसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देखो, अ मटेरियल इज सेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग। पहला, इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। दूसरा, बिकम्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एंड तीसरा, इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाए। क्या ये दोनों समझ में आए? नेक्स्ट, अगला कोई डाउट है बच्चों पूछते जाइएगा, या तो टाइप करके भेज देना या मुझे पूछते जाइएगा। चलो आप अपनी बुक्स के अंदर ना, रजिस्टर के अंदर इसको लिख लीजिए। आप सभी ने चार्ट बनाया होगा, इस चार्ट के नीचे इसको लिखिए, इसको बनाइए, ये लिखिए, इसको लिखिए। इसको लिखिए बच्चों, अगला लिखिए तीसरा, डायरेक्ट लेबर, मतलब इसको लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, लिखिए। हाँ, इसको समझा देता हूँ। दोज विच आर डायरेक्टली इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, आइए मैं समझाता हूँ इसको बच्चों, इधर सुनिए और समझिए। हमारे सामने कोई कॉस्ट आया, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से, हमारे सामने कोई कॉस्ट आया, कैलकुलेटर को बनाने का कॉस्ट आया, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है। मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है,
उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, जैसे आगे देखते हैं, एग्जांपल देता हूँ बच्चों, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर दो तरीके की लेबर है, एक जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है, जैसे यहाँ पे चौकड़ी मार के बैठी हुई है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाती है, यानी कि लकड़ से कुर्सी बनाती है, ठीक है ना। एक लेबर ऐसी है जो बाहर हमने चौकीदार रखा हुआ है, वॉचमैन रखा हुआ है, इसको हम पे करते हैं 100 रुपये पर चेयर के हिसाब से, और इसको हम पे करते हैं 5,000 रुपये महीना। बच्चों मुझे बताइए, जब मैं इस कुर्सी का कॉस्ट निकालता होऊंगा, मैंने बोला कि भाई तू कैलकुलेटर बना के दे, हर कैलकुलेटर का देखो 100 रुपये दूंगा मैं। तो एक बंदा है जो टाइट करता है इसको, फेविकॉल वगैरह लगाता है, हर कुर्सी का मैं इसको 100 रुपये देता हूँ। तो मुझे बताइए, इन दोनों में से मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, इन दोनों में से ऐसी कौन सी लेबर है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ लिंक रखती है, मतलब जो प्रोडक्शन में इंगेज है, ऐसी कौन सी लेबर है जो प्रोडक्शन में इंगेज है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, चेयर बना रहा है, ऐसा कौन सा लेबर है, ए या बी? बताओ ऐसा कौन सा लेबर है? भाई मैं कैलकुलेटर को देखते ही बता दूं कि 100 रुपये का खर्चा तो लेबर का है, ऐसा कौन सा लेबर है, ए वाला लेबर है या बी वाला, जो प्रोडक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, बताइए। ए। बी, बी क्या है बच्चों? इसका होना जरूरी है, अगर चौकीदार नहीं होगा तो चोरी हो जाएगी, इसका होना जरूरी है, बट ये प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा। जैसे हेड ऑफिस में कोई बैठा हुआ है बंदा, हेड ऑफिस में ऑडिटर बैठा हुआ है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ये प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, बट इनका होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, क्यों होना जरूरी है बच्चों? क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो कंपनी चल नहीं पाएगी। दो तरीके का लेबर हो गया, डायरेक्ट नेचर का, इनडायरेक्ट नेचर का। डायरेक्ट नेचर का मतलब क्या है? दैट इज लिंक्ड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी, दैट इज इंगेज इन प्रोडक्शन, और अदर्स हो गए इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? इसी चीज को आगे लिखा भी हुआ है, आज आपको मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहां पे देखिए इनडायरेक्ट का एग्जांपल गिवन है, सैलरी ऑफ स्टाफ, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नेचर के। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझ पा रहे हैं बच्चों? कोई भी कॉस्ट आ रहा है आपके सामने, आप पहले ये देखोगे कि वो मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है। मटेरियल है तो देखोगे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। लेबर है तो आप देखोगे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। और तीसरा कौन सा बच गया बच्चों, जल्दी से बता दो, तीसरा कौन सा बच गया? एक्सपेंस। आइए एक्सपेंस के बारे में भी बातें करते हैं, फटाफट से इसको कॉपी मारिए और जैसे ही कॉपी हो जाए मुझे बताएं। जैसे ही कॉपी हो जाए मुझे बताएं। चलो बच्चों, तीसरा खर्चा कौन सा था? तीसरा खर्चा जल्दी से साथ साथ ही लिख लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। और छठा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल,
डायरेक्टली ट्रेसेबल विद आउटपुट. डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा खर्चा विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल. तो डायरेक्ट मटेरियल का सिर्फ पहले वाला नेचर आ रहा है यहाँ, सिर्फ पहले वाला कंडीशन आ रहा है. आइए मैं इसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ. जल्दी से बताओ बच्चों ये कौन है, जल्दी से बता दो ये कौन है बच्चा, ये बच्चा कौन है, आप में से ये बच्चा कौन है? ये है विभू. क्या बात है, राहुल कह रहे हैं ये है विभू. विभू ये आप हैं, और मुझे बताइए विभू ये कौन है, विभू आप बताइए ये कौन है, बता दो विभू ये कौन है. हाँ जी राहुल, राहुल अरे ये राहुल है. विभुल, विभू और राहुल इन दोनों की जोड़ी. अब राहुल जो है बच्चों ये मैन्युफैक्चरिंग करता है. किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, फैक्ट्री किस चीज की लगा रखी है, शर्ट्स की. आप में से किसी बच्चे को भी शर्ट चाहिए हो तो किसके पास जाएं, किसके पास जाएंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, राहुल के पास जाएं. एक है राहुल एक है विभू, दोनों दोस्त बड़े अच्छे, दोनों ने इकट्ठे CMA किया, दोनों ने इकट्ठे पढ़ाई करी. विभू के पास ना एक आइडिया था, पता है आइडिया क्या था, इन्होंने एक नए किस्म की शर्ट बनाई. आपको तो आजकल पता ही है कि कोई भी नया चीज़ बनाया हो कितना जल्दी हिट हो जाता है अगर वायरल हो जाए. तो विभू ने एक नए किस्म का शर्ट बनाया, मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली बनाता हूँ. अरे एक नए किस्म का शर्ट बनाया, उसका एक बाजू लंबा है और एक बाजू छोटा है, और विभू ने इस पे एक अपना टैगलाइन लिखवा दिया. टैगलाइन क्या लिखवा दिया विभू ने, टैगलाइन क्या लिखवा दिया, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, और पीछे लिखवा दिया कहीं भूल नहीं जाना रे. आजकल आपने सुना होगा ये काफी ट्रेंडिंग गाना चल रहा है. तो विभू ने क्या किया, अपनी शर्ट पे यहाँ पे लिखवा दिया बचपन का प्यार, और पीछे लिखवा दिया कहीं भूल नहीं जाना रे. सही बात है ना विभू. विभू ने एक ये ऐसे शर्ट छपवा ली, और ये शर्ट का इन्होंने ले लिया कॉपीराइट. भैया कॉपीराइट ट्रेडमार्क कह लीजिए, इन्होंने ले लिया अपने पास. कोई भी बंदा अब ऐसे शर्ट पहन के नहीं घूम सकता जिसके आगे लिखा हो, जिसकी एक बाजू लंबी हो और आगे लिखा हो बचपन का प्यार, और पीछे क्या लिखा हो कहीं भूल नहीं जाना रे. समझ रहे हैं ना विभू. विभू गाना तो सुना है ना आपने ये वाला या नहीं, नहीं सुना है, सुना है या नहीं सुना है, सुना है. उसी को इंस्पायर होके विभू ने ये शर्ट बना लिया, कॉपीराइट ले लिया. राहुल को ये पता है कि ये विभू जो है मेरे दोस्त हैं, और अगर मेरे को ये कॉपीराइट मिल जाए मैं यूज़ कर लूँ तो मैं बहुत अच्छा खासा पैसा छाप लूँगा, ठीक है ना. तो ये राहुल गए विभू के पास, विभू को बोला विभू विभू तू मेरा दोस्त है, याद है हम क्लास में इकट्ठे पढ़ा करते थे, CMA की कोचिंग इकट्ठे ली हमने, याद है तेरे को. मैंने विभू कहते हाँ यार याद तो है. कहते यार तेरे पास ना एक कॉपीराइट है मुझे यूज़ करने दे. तो विभू ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू शर्ट छाप, इसको यूज़ कर, बेच. राहुल खुश हो गए, राहुल के देखो दांत कैसे निकल के आगे बाहर. राहुल कह रहे भाई मज़ा ही आ गया, ये हुई ना दोस्त, खुश हो गए राहुल. इनको लगा पैसा ही पैसा छपेगा, पैसा बरसेगा. आपको क्या लगता है विभू बहुत शरीफ बच्चे हैं, आप सबको क्या लगता है बच्चों विभू जो हैं बड़े शरीफ बच्चे हैं, क्या ये ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, विभू ने बोला भाई तू ऐसा करियो जितनी शर्ट बिके ना हर शर्ट के हिसाब से तू मुझे 100 रुपये का रॉयल्टी देता जाइयो, हर शर्ट के हिसाब से तू मुझे 100 रुपये का रॉयल्टी देता जाइयो. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है बच्चों मुझे बताओ ये जो रॉयल्टी है ये मटेरियल है, बोलो यस और नो, क्या ये मटेरियल है, क्या इसको आप टच कर सकते हो, क्या ये लेबर है,
मैन पावर का खर्चा दे रहे हो आप, वेरी गुड, तीसरे तक ये पहुंच गए, कह रहे तीन ही तो ऑप्शन है, दो नहीं है तो एक्सपेंस हुआ। क्या जो मैन्युफैक्चरर है, जो राहुल है, क्या ये शर्ट को देखते ही बता सकते हैं कि भाई इस शर्ट को बनाने में मटेरियल का खर्चा ये है, लेबर का खर्चा ये, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस का खर्चा 100 रुपये का है, क्या शर्ट को देखते ही हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये खर्चा रॉयल्टी का कितना है, क्या ये बता सकते हैं, जल्दी से बोलो। यस, तो ऐसे खर्चे को जो आउटपुट में डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, देखते ही पता लग जाए हाँ यार मैन्युफैक्चरर को पता है कि इस आउटपुट में 100 रुपये का रॉयल्टी पे करता हूँ मैं, तो इसको बोलेंगे, इस खर्चे को बोलेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट एक्सपेंस की बच्चों बड़ी छोटी सी लिस्ट होती है, इसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं होते। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद आउटपुट। समझ रहे हो? डायरेक्ट एक्सपेंस के बड़े कम एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बाकी सब कुछ आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के बड़े कम एग्जाम्पल होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए, ये देखिए रॉयल्टी, जैसे मैंने रॉयल्टी का एग्जाम्पल पिक कर लिया, अगेन बाकी बहुत सारे भी हैं पर एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है, और इनडायरेक्ट के अंदर ना सब कुछ आ जाता है, आर अदर एक्सपेंसेस अदर देन नेचर ऑफ मटेरियल लेबर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, बिजली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सबसे लंबी लिस्ट इसी की है, जो कहीं पे नहीं आ रहा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या यहाँ तक क्लियर? फटाफट से बताइए बच्चों, क्या ये आपको 6 डेफिनेशंस क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या ये 6 पार्ट्स क्लियर हुए बच्चों? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज पूछ ले मुझसे। बढ़ू फिर मैं आगे? अदर आगे आता है बच्चों, आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर / वेरिएबिलिटी। बच्चों आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। कोई बच्चा प्लीज एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड कॉस्ट? और बच्चा प्लीज एक्सप्लेन कर सकता है आपको क्या याद है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में? आपने पढ़ा होगा भाई ये तो। चलो बढ़िया चल रही है तैयारी प्रीति आपकी, हैं लेक्चर्स वगैरह जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। चलो आइए इधर सुनिए, आपने ना जब ये इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना, बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो कभी, उसके अंदर आपको सिखाया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता। आपको मैं हल्का सा इसका डायग्राम भी रिकॉल करवाता हूँ, डायग्राम कैसे पढ़ा होगा आपने, इसका डायग्राम आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, वो कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता दैट इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट वही है, आउटपुट चेंज हो जाए चाहे, कॉस्ट वही रहेगा, ठीक है ना, कॉस्ट वही रहेगा। तो आपको बचपन में ये सिखाया जाता था जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता है दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, याद आ रहा है? और वेरिएबल कॉस्ट कैसे सिखाया जाता था? वेरिएबल कॉस्ट सिखाया जाता था जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होता है।
ऐसा कुछ जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होता है। याद आ रहा है बच्चों, ये रफ लैंग्वेज थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, मुझे बताओ मैं जितने ज़्यादा कैलकुलेटर बना के बेचूँगा, मैं जितने ज़्यादा कैलकुलेटर बनाऊँगा, जितने ज़्यादा कैलकुलेटर उतना ज़्यादा मेरा मटेरियल का खर्चा आएगा, बोलो हाँ या ना। बच्चे कह रहे हाँ सर, जितने ज़्यादा मैं कैलकुलेटर बनाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा मटेरियल का खर्चा लगेगा। तो मटेरियल का खर्चा क्या हो गया मेरे एग्जांपल में, मटेरियल का खर्चा क्या हो गया बच्चों मेरे एग्जांपल में, मटेरियल का खर्चा हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। जिस जगह पे मैं इस कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँगा वो जगह मैंने रेंट पे ले रखी है। क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं कैलकुलेटर ज़्यादा बना रहा हूँ कम बना रहा हूँ, इस बात से क्या रेंट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बोलो यस और नो। बोलो बच्चों, कैलकुलेटर में ज़्यादा बनाऊं चाहे कम बनाऊं, क्या रेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, रेंट उतना ही जाएगा चाहे मैं ज़्यादा कैलकुलेटर बनाऊं चाहे कम बनाऊं। दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये दोनों बातें अभी तक समझ में आई? जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होता है दैट इज़ नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। इतना तो आपने पहले भी पढ़ रखा होता है, अगर नहीं पढ़ रखा तो मैंने अभी रिवाइज करवा दिया। इसके साथ ना एक और चीज़ ऐड होती है, और वो क्या होती है वो मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बच्चों आउटपुट, एक होता है प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम बच्चों मुझे बताइए, मैं अगर एक ऐसे इमेजिन करिए, मैंने एक फैक्ट्री ले रखी है रेंट पे, मैं दिन में 8 घंटे फैक्ट्री चला रहा हूँ। ध्यान से सोचिए, मैंने एक फैक्ट्री ले रखी है रेंट पे, मैं दिन में 8 घंटे फैक्ट्री चला रहा हूँ। मुझे ये बात बताओ, क्या मेरा रेंट अगर मैं 8 घंटे फैक्ट्री चला रहा हूँ चाहे 10 घंटे चला रहा हूँ, टाइम पीरियड नोट करिए, 8 घंटे चाहे 10 घंटे, क्या उससे रेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों? या रेंट उतना ही रहेगा? उतना ही। तो भैया एक और डेफिनेशन ऐड होती है फिक्स्ड कॉस्ट में, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगा ना टाइम के साथ चेंज होगा। चाहे मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूं चाहे कम टाइम के लिए प्रोडक्शन करूं, कॉस्ट उतना ही रहने वाला है। टाइम पीरियड, प्रोडक्शन टाइम वेरिएबल। बच्चों ऐसा सोचिए, अगर मैं मशीन ज़्यादा घंटे चलाऊँगा तो मशीन में तेल ज़्यादा लगेगा। अगर मैं मशीन ज़्यादा घंटे चलाऊंगा तो मशीन में तेल ज़्यादा लगेगा, हर घंटे लेबर को मेरे को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से जो खर्चा चेंज हो रहा होता है उसे भी बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई? आइए इस चीज़ को भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा, अच्छा एक और चीज़ समझा देता हूँ, पहले मैं एक और चीज़ समझा ही देता हूँ। इसके अलावा बच्चों देखो, अभी अभी हमने क्या किया, दो तरीके के खर्चे होते हैं। अभी अभी हमने क्या क्लासिफाई किया था, दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट नेचर के और एक होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के। इनडायरेक्ट वालों का बच्चों एक और नाम क्या था, ओवरहेड। याद आ रहा है, ओवरहेड। समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक होता है डायरेक्ट नेचर के, एक इनडायरेक्ट नेचर के। बच्चों ध्यान से याद रखिएगा, डायरेक्ट नेचर के जितने खर्चे होते हैं, डायरेक्ट नेचर के जितने खर्चे होते हैं, दीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, दीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड
एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। बच्चों फटाफट से बताओ क्या ये चार्ट समझ में आया? मेरे को याद है जब मैं आपकी जगह, जब आपके जितना था और मैं पढ़ने जाता था ना, तो ये इतने छोटे छोटे बेसिक्स किसी ने क्लियर नहीं करवाए, इतनी दिक्कत आती थी कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर नहीं होते थे, फाइनल में जाके इतनी दिक्कत आई पूछिए मत। धीरे धीरे जाके जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और खुद पढ़ना भी शुरू किया एकदम डिटेल के अंदर, तब जाके ये क्लैरिटी आनी शुरू हुई। तो जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन या बेस होगा कॉस्ट का, उतना ज़्यादा आपको आगे जाके मज़ा आएगा चैप्टर्स करने में। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स आपके बेस ही बनाऊंगा, मैं इंट्रोडक्शन पे लगाऊंगा ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आए। मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट कर दूं, वहाँ पे बोलूँ ऐसा होता है वैसा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे चैप्टर समझने की तरफ ध्यान दें या बेसिक समझने की तरफ, तो वो क्लैश हो जाता है। फटाफट से बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, अगर क्लियर है तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताएं। राहुल का आ गया यस सर क्लियर। इसको कॉपी करने से पहले आइए मैं आपको रीड करवा देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी आइदर विद चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टाइम ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। आपको एक चैप्टर आएगा आगे जाके, आपको एक चैप्टर आएगा आगे जाके बाय द नेम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, वहाँ पे आपको एक टर्म समझ में आएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट क्यों बोलते हैं। अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या था? इट इज द कॉस्ट विच वेरीज आइदर विद चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टाइम। देर आर टू पार्ट्स, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल इसको बोलते हैं, क्या है समझ में आया? फटाफट से बच्चों आप ये वाले डायग्राम्स ड्रॉ करिए, इसको ऐसे लिखिए, ये वाले डायग्राम ड्रॉ करिए जल्दी से, जैसी ड्रॉ हो जाए मुझे बताएं। डन। इसके नीचे आप ये वाला भी डायग्राम बना लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसी हो जाए मुझे बताएं। ठीक है तो बच्चों जो अभी तक हमने पढ़ा ये तो आपने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी डेफिनेशन बिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ये पढ़ा होता है। इसके अंदर कुछ भी नई बात नहीं करी मैंने। अब नई बात है क्या मैं वो समझाने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी
भैया कॉस्ट चेंज होगा या नहीं होगा आपके आउटपुट के चेंज होने से या टाइम के चेंज होने से, दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिक्स्ड हो गया, एक वेरिएबल हो गया, मेजरली तो ये दोनों हो गए। इसके अलावा और टाइप ऑफ नेचर भी होता है, एक आ जाता है सेमी वेरिएबल, इसको मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। नाम क्या है? सेमी वेरिएबल। आइए इसको मैं समझाता हूँ। सेमी वेरिएबल। अब बच्चों प्लीज़ दो मिनट रुक जाइएगा और जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुनने पे ध्यान दीजिएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये बच्चों दो तरीके का होता है। फर्स्ट फिक्स्ड, देन वेरिएबल। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना है। और दूसरे को बोलते हैं स्टेयर स्टेप या बैच वाइज या लॉट वाइज। आइए पहले मैं ये वाला समझाता हूं। इसको डायग्राम को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, या ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ सर, बच्चों मुझे बताइए, आप सबने कभी बिजली का बिल देखा है क्या? बिजली का बिल, बिजली का बिल अगर आप किसी महीने जीरो यूनिट्स, एक बिजली का यूनिट भी कंज्यूम ना करो, एक बिजली का यूनिट भी कंज्यूम ना करो, तो क्या बिजली का बिल जीरो आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, बोलो। अगर आप किसी महीने एक यूनिट भी बिजली का बिल ना कंज्यूम करो, एक भी यूनिट, तो क्या बिजली का बिल जीरो हो जाएगा? नहीं। आपके बिजली के बिल में ना एक फिक्स चार्जेस होते हैं, चाहे आप बिजली कंज्यूम करो चाहे ना करो, आपका उतना बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा, इसके फिक्स्ड कंपोनेंट भी हो गया। और जैसे ही आप बिजली ज़्यादा कंज्यूम करनी शुरू करते हो, बिजली का बिल बढ़ना शुरू हो जाता है, वेरिएबल कंपोनेंट भी हो गया। तो सेमी वेरिएबल का जो पहला पार्ट है, इसके अंदर दो तरीके के आ गए, फर्स्ट फिक्स्ड देन वेरिएबल। देखिए जैसे बिजली का बिल, अगर आप जीरो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तब भी बिजली का बिल कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, और जैसे ही बिजली का बिल ज़्यादा, बिजली ज़्यादा कंज्यूम करनी शुरू करोगे, बिजली का बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया एक एग्जांपल। एक आप कर सकते हैं टेलीफोन का बिल। बच्चों टेलीफोन के बिल में क्या होता है, टेलीफोन के बिल में क्या होता है, आपने एक लेवल तक, जैसे एक मान लीजिए आपने रिचार्ज करवाया, वहां पे लिखा होता है एक लेवल तक आपको फ्री मिलेगा इंटरनेट कॉल्स, कुछ भी एक लेवल तक फ्री मिलेगा। जैसे ही उस लेवल के बियॉन्ड जाएंगे तो आपको चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। तो आप इसके अंदर दोनों नेचर देख रहे हो, एक लेवल तक फिक्स्ड है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट पे होता है ये बहुत, कि एक दिन का 1 GB मिल रखा है या 1.5 GB या 2 GB जितना भी डाटा मिल रखा है, इससे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा सुना है ना आपने? बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हैं? पहला है केस। किसी को डाउट है बच्चों प्लीज पूछ लो। पहले केस के अंदर क्या सभी बच्चों को ये पहले वाला केस क्लियर है, फर्स्ट फिक्स्ड देन वेरिएबल वाला? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है प्लीज पूछ लें। अगले पे चलते हैं बच्चों, फिर बैच वाइज लॉट वाइज के ऊपर एग्जांपल देता हूं मैं। एक बच्चों मान लो मैं एक टेस्ट कंडक्ट करता हूं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 बच्चों का एक बैच बनेगा, यानी कि एक बैच के अंदर 20 बच्चे तक होंगे। उसके ऊपर मैं एक सुपरवाइजर रखूंगा और हर सुपरवाइजर को मैं 500 रुपये देता हूं। सुपरवाइजर का कॉस्ट कितना हो गया बच्चों? 500 रुपये।
इमेजिन करिए मैं टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, एक टाइम पे 20 बच्चे, एक बैच के अंदर 20 बच्चा बैठेगा और मैं एक सुपरवाइजर रख दिया है भैया, वो राउंड मारता रहेगा, चेक करता रहेगा, चीटिंग तो नहीं चल रही, 500 रुपये लगेगा एक सुपरवाइजर की कॉस्ट का। जैसे ही 21वां बच्चा आएगा मैं उसको क्या बोलूँगा, एक नया बैच बनाना पड़ेगा उसके लिए, बोलो बच्चों हाँ या ना। जैसे ही 21वां बच्चा आएगा मुझे उसके लिए एक नया बैच बनाना पड़ेगा, एक नया सुपरवाइजर लेकर आना पड़ेगा, तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 रुपये, बोलो हाँ या ना। अब इस बैच का साइज कितना होगा, ये जो दूसरा बैच है इसका साइज कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ इसका साइज कितना होगा, 20 बच्चों का। अच्छा 22वां बच्चा आया, 23वां बच्चा आया, मैं ऐसे एक ही बैच में घुसाता चला गया, कब तक ही चलता रहेगा, दूसरे बैच में कब तक लिमिट है, दूसरे बैच की कहां तक लिमिट है बच्चों, जल्दी से बताओ। 20 बैच का, 20 बच्चों का एक बैच है तो दूसरे बैच में कितने बच्चे आ सकते हैं, 40 तक, वेरी गुड। यानी कि मैं 40 तक ये दूसरा बैच रखूंगा, जैसे ही 41st बच्चा आएगा मैं 41st से लेके 60 तक एक तीसरा बैच बनाऊंगा और उसके 1500 रुपये कॉस्ट लग जाएगी, समझ रहे हो। अगर मैं इसका एक प्लॉटिंग करूं, अगर मैं इसकी एक प्लॉटिंग करूं, ये देखिए बच्चों, 20 बच्चों तक तो हमारा कॉस्ट 500 रुपये का ही रहा, 40 बच्चों तक हमारा कॉस्ट हो गया 1000 रुपये का, और 60 बच्चों तक हमारा कॉस्ट हो गया 1500 बच्चों का। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो सीढ़ियां नहीं लग रही है आपको, ये सीढ़ियां नहीं दिखाई दे रही, सीढ़ियां नहीं दिखाई दे रही, विदिन द बैच तो ये कॉस्ट सेम है, मतलब एक से लेके 20 बच्चों तक का कॉस्ट तो सेम है, बट जैसे ही 21वां बच्चा आएगा बाकी कॉस्ट बदल जाएगी, सीढ़ियां बन जाएंगी, इसे बोलते हैं स्टेयर स्टेप। अब ध्यान से देखिए, बैच के अंदर ही अंदर तो कॉस्ट फिक्स्ड है, बट अगर मैं बैच वाइज देखूं, ये पहली बैच का 500 का, दूसरे का 1000, ऐसे देखूं, दिस इज वेरिएबल, समझ रहे हो बच्चों, इसके अंदर दोनों नेचर घुसे हुए हैं, इसे बोलते हैं लॉट वाइज, स्टेयर स्टेप, बैच वाइज, समझ रहे हो। आइए इसको भी मैं रीड करवा देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, कंटेन्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स, हाँ, देयर आर टू टाइप्स, फिक्स्ड देन वेरिएबल, बैच वाइज, लॉट वाइज, स्टेप वाइज। कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट एंड बियॉन्ड दैट आउटपुट कॉस्ट चेंजेस विद ईच यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और बैच वाइज, लॉट वाइज, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी भी दिया। यहां पे ना एक टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है, चेंजेस लीनियरली, लीनियरली का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल यूज करता हूं। आइए सेमी फिक्स्ड बच्चों, सेमी वेरिएबल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, ध्यान से, इतना तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। आइए मैं समझाता हूं कैसे। जैसे स्टूडेंट हैं, बैच हो गया, कॉस्ट हो गया, अभी तक बच्चों हम क्या कर रहे थे, देखो ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बैच इंक्रीज हो रहा है 20-20 से, और कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 500-500 से,
ऐसा देख रहे हैं ना आप, एक लीनियर इक्वेशन टाइप बन गया कि अगर 20 बच्चे इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगा 500 से, समझ रहे हो, एक लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या रियल लाइफ में एकदम ऐसा ऐसा चलता होगा क्या? नहीं, पहले 20 बच्चे आए, कह रहे हमारा टेस्ट ले लो, मैंने 500 रुपये पे रखवाया एक सुपरवाइजर, मैंने कहा चलो इनका टेस्ट चालू करो। देखो प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, मैंने पहले 20 बच्चे आए, मैंने बोला भाई इनका बैच स्टार्ट करो, इनका सुपरवाइजर रखो 500 रुपये। फिर 10 बच्चे आ गए और 21 से लेके 30, मैंने कहा यार इसका भी सुपरवाइजर रखो, एक सेकंड बैच बना दो, सुपरवाइजर रखो, इनका भी टेस्ट चालू करो, 1000 रुपये लग गए। फिर आ गए बच्चों 40 बच्चे आ गए, और 40 के ऐसे कर 15 बच्चे आ गए, 31 से लेके 45 तक तीसरा बैच बनाया। इस बार सुपरवाइजर कह रहे हैं मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, इस बार सुपरवाइजर कह रहे हैं मैं 800 रुपये लूँगा, तो 1800 हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको बैच वाइज ही दिखाई दे रहा होगा कि बैच वाइज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे सीढ़ियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बन रही हैं। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं सीढ़ियाँ बनाऊँ तो सीढ़ियाँ ऐसे बन रही हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, सीढ़ियाँ का डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा है, समझ रहे हो बच्चों? जैसे यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ पे बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं 10 से, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं 15 से, कॉस्ट पहले इंक्रीज हो रही है 500 से, फिर इंक्रीज हो रही है 800 से, कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सेमी फिक्स्ड इज नथिंग बट मॉडिफाइड पार्ट ऑफ बैच वाइज लॉट वाइज, इसका एक मॉडिफाइड ही पार्ट होता है ये। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ आप सबको? आइए इसको मैं रीड करवाता हूँ। कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड विद इन अ बैच एंड चेंजेस विद नंबर ऑफ बैचेस बट डज नॉट मेंटेन लीनियर रिलेशन। जैसे यहाँ पे क्या था बच्चों, ये एक लीनियर इक्वेशन बना के रखता था, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना के नहीं रखता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? फटाफट से आप इसको, अगर समझ में आ गया हो तो कॉपी करना चालू करें, अगर कोई डाउट है बच्चों तो प्लीज़ मुझसे डाउट पूछ लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा आगे। और जैसे ही कॉपी हो जाए मुझे बताएं। जैसे ही कॉपी हो जाए बच्चों बताओ। हो गया, इसको भी कॉपी कर लीजिए।
डन। चलो फटाफट से बताइए क्या आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया, जल्दी से अगर समझ में आ गया टाइप करके भेजिए यस सर या डन सर या क्लियर सर, अगर कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लें जल्दी से। वेरी गुड, विभू रह गए हैं, विभू का वेट करते हैं क्या लिख रहे हैं ये। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये सेशन यहीं पे रोकते हैं, एक और लेक्चर लगेगा आपका इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स स्टार्ट कर देंगे ठीक है ना। तो एक और लेक्चर लगेगा बस, फिर प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर देंगे ठीक है। बाय बाय।